नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज हम आम की बर्फी बनाने जा रहे हैं। तो आम की बर्फी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हमने ले ली हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने एक मीडियम साइज का आम ले लिया है, साथ में हमने 250 ग्राम के करीब दूध ले लिया है और साथ में हमने 50 ग्राम के करीब सूजी और 100 ग्राम के करीब चीनी ले लिया है। तो दोस्तों अब हम अपना बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आम के छिलके को उतार करके उसका गूदा निकाल लेंगे। दोस्तों हमने आम को छील के उसका गूदा निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम सूजी को अलग रख देंगे और एक मिक्सर का बड़ा जार लेंगे, उसमें हम अपना सारा आम डाल देंगे और दूध को भी हम उसमें डाल देंगे और हमने जो चीनी ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से आम, चीनी और दूध को मिक्स कर लिया है। तो हम अपना बर्फी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब उसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। दोस्तों हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो हम उसमें सूजी डाल करके उसको अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों अच्छा सा इसमें कलर आ जाए, हल्का सा गुलाबीपन आ जाए हमारे सूजी में, तो हमारी सूजी भून जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है, अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। तो हमने जो जार में हमने जो आम और चीनी दूध का मिक्सर बनाया था उसे इसमें डाल देंगे। और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। दोस्तों आम की बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, आप मेरे इस तरीके से आम की बर्फी घर में जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बर्फी बिल्कुल रेडी होने वाली है, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में फैलाएंगे और फैला के इसे ठंडा करेंगे। दोस्तों हमारी बर्फी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो हमने गैस को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हमें जिस बर्तन में अपनी बर्फी को फैलानी है उसमें हमने घी से ग्रीसिंग कर दी है और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट भी फैला दिए हैं, तो हम अपने बर्फी को इसमें फैलाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो हमारी बर्फी का सारा मटेरियल है हमने थाली में रख दिया है। तो एक प्लेट लेके चिकने साइड की तरफ घी लगाना है और इसे आराम से हम इसको फैला लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही ये ठंडा होता है मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बर्फी बनी कैसी है। दोस्तों हमारी बर्फी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी हमारी उतर के आई हुई है। तो हम इसके शेपिंग पीस काट लेंगे, जैसा भी शेप आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप काट सकते हैं। तो दोस्तों ये आम की बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करिए या ठंडा ठंडा, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। तो दोस्तों आम की बर्फी बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।